दुकान बंद एक मार गई। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल न्यू इमित राजस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि आज 26 जनवरी के दिन CSE पे जो डिजी नेम और सिविल रिपोर्ट का ऑप्शन आया था फ्री में चेक करने के लिए, सिविल स्कोर और डिजी नेम फ्री पाने के लिए। तो दोस्तों, मैंने सिविल वाला वीडियो भी बना दिया, वो नहीं देखा था आपने पिछला वीडियो जाके देख सकते हो। इस वीडियो में बताएंगे आपको किस तरह से डिजी नेम आप ले पाओगे। दोस्तों, बस साइड काम नहीं करिए, लेकिन उस पर एक फॉर्म फिल करने का ऑप्शन आ रहा है, उस फॉर्म को आपको किस तरह से फिल करना है उस वीडियो में पूरी जानकारी से बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, चलते हैं CSE पोर्टल पे, आगे पूरा प्रोसेस बताते हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पे जो रेड वाला बटन है सब्सक्राइब वाला, इसको दबा देना है और पास में बेल आइकन को दबा के उन पर क्लिक कर देना है, ताकि जो भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा, वीडियो संपूर्ण देख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं CSE पोर्टल पे। दोस्तों, CSE पोर्टल पे आने के बाद सबसे पहले क्या करना है, आप जो सर्च बार इस पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे डीजी नेम टाइप कर देना है। दोस्तों, हम डोमेन टाइप करते हैं, डोमेन जैसे नाम करते हैं, डीजी नेम डोमेन आ गया और डोमेन आ गया। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे एक तो डीजी नेम हो गया, एक डोमेन हो गया, इस पे आपको क्लिक कर देना है। और जैसे दोस्तों क्लिक करते हो, डीजी नेम और डिजिनेम दोनों एक ही सर्विस है, आप दे सकते हो। तो आपको सबसे पहले क्या कर देना है, यहाँ पे जो सर्विस है अभी नहीं आ रही, लेकिन यहाँ पे फिल डोमेन बुकिंग फॉर्म, तो ये इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे, रिक्वेस्ट डोमेन एंड बुकिंग अथोराइजेशन डिजिनेम्स, इस तरह का ऑप्शन आ जाए तो आपको सबसे पहले क्या करना, अपना जो CSE आईडी है दोस्तों, वो CSE आईडी आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। उसके बाद आपकी जो भी ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी यहाँ पे टाइप कर देना है, क्योंकि दोस्तों साइट काफ़ी स्लो हो गई थी, इसलिए इन्होंने एक फॉर्म ही रखा है। उसके बाद आपको अपना जो मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे इंटर कर देना है, और यहाँ पे डीजी डोमेन नेम एंड द बुकिंग, तो आपको डोमेन नेम यहाँ पे आपको सबमिट करना है। तो डोमेन में आप यहाँ पे पूरा लिख सकते हो, अपनी जो वेबसाइट उसका नाम लिख सकते हो, और लास्ट में आप .in यहाँ पे या .com जो भी है आप लेना चाहते हो ले सकते हो। तो चलिए हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। हमने यहाँ पे .in डोमेन रखा है, तो आपको बुकिंग यानी डोमेन नेम में आपको यहाँ पे बुकिंग करके सबमिट पे क्लिक कर देना। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करते हैं, उसके बाद क्या प्रोसेस आता है वो आपको बताते हैं। तो उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे हमने पूरा डाल दिया, उसके बाद हमें सबमिट बटन पे क्लिक कर दी। जैसे हम सबमिट पर क्लिक करें दोस्तों, हमारे यहाँ पे रिक्वेस्ट डोमेन बुकिंग रिसीव योर रिक्वेस्ट बुकिंग द डोमेन अवेलेबल योर चेक योर सर्च इन द डिजिटल लॉगिन, तो हमारे यहाँ पे सबमिट हो चुका है। तो दोस्तों, इस तरह से आपको यहाँ पे सबमिट करना, क्योंकि साइट अभी काम नहीं करी है, इसलिए इन्होंने यहाँ पे एक फॉर्म ही रखा है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद।